वैचारिक विरासत श्रृंखला के अंतर्गत जुड़ने जा रहा है एक नया आयाम। मैं कौन, मेरा कौन? हम एक के हैं, हम एक हैं। सारा दिन यही धुन है पापा को रिटर्न किया दो। जीवन का लक्ष्य था मेरी जीवन ऐसी हो जो दुनिया को प्रेरणा देने लायक। आदरणीय दादी जानकी जी के प्रवचनों का अद्भुत संग्रह अमृतवाणी गॉडलीवुड स्टूडियो की एक अनुपम प्रस्तुति। शिव बाबा है ज्ञान का भंडार, ऐसे है भंडार है उसके पास है। और ब्रह्मा बाबा बैठ करके खाना बनाता है हमारे लिए सवेरे अच्छी तरह से। बाबा के भंडारे में बैठ के अंदर अच्छी तरह से खाना बनाता है, मुरली थाली है उसमें पर देता है आपको, ऐसे मुरली थाली अच्छी तरह से प्लेट अच्छी बना के देता है, वेरी टेस्टी। हमको सिर्फ खाता है, कितना अच्छा अच्छा खाना मिलता है, खाना बना के फिर प्लेट में अच्छी अच्छी डाल के देता है। मुझे लगा मुरली जैसे हमको अच्छी खाने की अच्छी देख करके खुशी होती है, खाने से कितना मजा आएगा, अंदर कितनी शक्ति मिलेगी। तो सारा दिन जो सेवा करना उसको करो, नशा चढ़ता है तो बाबा सूप भी पीता था ना, कुछ पीता था जैसे कई हैं तो जल्दी जल्दी पी लेते हैं, सूप पीना हो चाय पीना हो दूध पीना जल्दी कब पी लिया। बाबा को हम क्या देखते थे, बड़ा धीरे 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 बच्चे धीरे 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 रायल ऐसे करते हैं, जल्दी जल्दी नहीं वो हजम नहीं होता है, नशा चढ़ेगा। ज्ञान ऐसा है नशा चढ़ता है, नशे में खुशी होती है, गम खत्म होता है। मनुष्य क्यों शराब पीते हैं, गम को खत्म करने के लिए, और पी करके कुछ अच्छा काम करने के लिए, किसे काम लेने के लिए, किसे काम लेना हो ना तो अच्छी तरह बैठेंगे होटल में बैठेंगे, कहाँ पर बैठेंगे, खुद पिएंगे, उनको पिलाएंगे, फिर उनसे जो काम लेना हो ले लेंगे, उसमें उसमें हाँ जी कर लेंगे वो, ऐसे होता है ना। तो एक भाई था उनसे मैं बॉम्बे में मिल के आई, बहुत अच्छा अभी भी है जिंदा है। तो बाबा जब बॉम्बे में था तो हैंगिंग गार्डन के वहां उसने अच्छा फ्लैट बनाया था नया एकदम, तो उसकी जो साली थी उसका बाबा के साथ बहुत प्यार था, उसका हस्बैंड कोई बात में संयोगी देने में मददगार नहीं था, परंतु ये इसका भेनिया बड़ा बाबा की बात सुनाती थी ना, जैसे बाबा का स्नेही संयोगी पीछे बंदे सहज योगी, सिन्ने से कोई संयोगी बनता है। तो उसने बाबा को कहा इतने तुम नया फ्लैट बनाया है, बाबा बॉम्बे में आता है, बाबा इसमें रहे? तो उसने कहा हाँ जरूर। बाबा ने कहा नहीं समय में ये तो शराब पीने वाला, ये तो ऐसा है इनके बारे में, बाबा कैसे रहे? और वो जोर बाबा पांव परे, बाबा इसमें आप रहो ना,
बाबा रहा, उसमें बहुत शिवा हुई थी, बहुत बाबा का रहना, बड़ा बेड अच्छा था, बाबा ठहरा हुआ था। बाबा के पास आया, बड़े प्यार से बाबा से मिलता था, बाबा मैं शराब नहीं छोड़ूंगा, शराब छोड़ना मेरा धंधा ही नहीं होगा, और सब मेरे से क्या करेंगे, बिजनेस कैसे करूंगा बाबा, ये मेरे को माफ कर दो, खाना पीना भी नहीं छोड़ूंगा, पर बाबा आपका बन करके रहूंगा, आप मुझे ये नहीं कहना तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते हो, ऐसी बातें करता था, ये नहीं कहना स्वर्ग में नहीं आ सकते हो, मेरे बाबा तो आप ही हो ना, मेरे बाबा आप, मेरे गुरु आप ही हो ना, भगवान भी तो आप ही हो ना, ऐसी बातें करता था। बाबा मुस्कुराता रहे। उसने क्या किया, उसकी दो लड़कियां थी, वो यहाँ स्कूल में बिठा दिया, कॉन्वेंट स्कूल में बिठाया लड़कियों को, इसी बहाने से वाइफ पिया आएंगी लड़कियों से मिलने, और हम जल्दी जल्दी बाबा के पास हांगकांग से आएंगे, बाबा से मिलूंगा, और बाबा से बातें इतनी रमणी करता था, बाबा प्लीज मेरे को नरक में नहीं भेजना, बाबा मैं स्वर्ग में मुझे सीट रख देना, बाबा मेरा और कोई नहीं है, मैं किसी को याद नहीं करूंगा, आपको मैं शराब नहीं छोड़ूंगा। क्यों नशे से खुद रह करके काम करना और उसे काम लेना, ऐसे ही तो काम करते हैं लोग, जब नशे की बात सुनी तो बाप मुझे पता है बाबा इतना चेहरा इतना अच्छा, बहुत बाबा का मीठा मीठा अच्छा अच्छा अच्छा। अभी मैं बॉम्बे में एक दिन कुछ घंटों के लिए रखा था हाल में प्रोग्राम, अचानक उसका फोन आया, जानकी हो तुम आई हो, और मैं तो बुढ़ा हो गया है, बहुत बहुत बुढ़ा हो गया, उसकी वाइफ वो उसी दिन कोमा में चली गई थी, वो भी बाबा की बहुत प्यारी थी, तुमको हमारे पास आना होगा। मैं कहा बोलो राम क्या कहते हो, राम नाम है उसका, तो क्या कहते हो, क्या रात को 10:15 बजे 10:30 उसकी बारात हो गई, ये है बाप का प्यार। पर मधुबन में अबू में जल्दी जल्दी आता था, तो बाबा कुछ भी कहेंगे ना, भोले ये खाना बना लो, बाबा आपको कैसे पता चला मुझे अच्छा लगता है, ये चीज अच्छी लगी, बाबा आपको कैसे पता चला, इतना मस्ताना आज भी उस मस्ती में रहता है। बहुत अभी तो बेचारा शराब हम नहीं पीता, अभी तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसके भाई का भी उद्धार हुआ, बहुतों का उद्धार हुआ, तो सिने ही संयोगी आत्मा सहज योगी बन जाती है, प्यार ऐसी चीज है, बस सारे परिवार को, बच्चियों को भी, बच्चियों के बाबा बाबा लगता है, तो बाबा प्यार जो करता है ना कोई कर नहीं सकता, किसको अकल ही नहीं इतना प्यार करने का, तो बाबा क्या बोला, उसे प्यार जो भगवान देता है, उसके बूंद के भी लोग प्यासी है। कल मैगजीन पढ़ रही थी ज्ञान अमृत, उसमें एक अच्छा लेख आया हुआ है, एक सारी तो नहीं सुनाएंगी, एक भगत आत्मा बहुत भगवान के लिए तरफती हुआ था, बहुत प्यासी आत्मा, बहुत प्यासी, जाकर देखा कहां से भगवान मिले, तो वृंदावन में जाकर रहा माला फेरने के लिए, कितना पता नहीं कितनी मालाएं, मुझे याद नहीं है, उतने भाई उसने कहा इतनी माला फेर 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 फेर, मुसीबतें भी घर में बहुत आई, तो माला फेरते फेरते छोटी सी लाइट घूम जाती थी। ये गुम हो गई वो लाइट, ऐसे माला फेरते फेरते लाइट आ गई, भगवान तो ये लाइट जब आती थी आंखों के सामने खुश हो जाता था, तो फिर माला प्यार से फेरता था, कब ये नहीं पता था जिसकी माला फेरता हूं वही कोई मेरा बाप है हो जाएगा, पर बहुत भक्ति बहुत किया, पर कहानी मुझे पूरी याद भी नहीं, पर मतलब का बात का, कान जा रहा था
कोई दोस्त के साथ, तो सामने एक प्रदर्शनी देखी, उसमें आत्मा स्टार मिसल है। वो देखते वो लाइट याद आ गई उसको, वो जो लाइट देख रहा था ना, यही थी। नजर पड़ गई, नजर पड़ गई, फिर अंदर पूछ के चला गया। समझा था थोड़ा ही घंटा, थोड़ा ही टाइम बहन से मिलूंगा। बहन ने ज्ञान देना शुरू किया, समझा 5 मिनट, 3 घंटा ज्ञान सुनना शुरू कर दिया। 3 घंटा सुना तो अभी तो बिल्कुल, कहता है उसके बाद कई परीक्षाएं आई है, इतनी आई है। वो परीक्षाएं भी मैं डिटेल नहीं सुनाऊंगी, जिसको पढ़ना वो सारा सारा पढ़े। परीक्षाएं आई है तो उसके दादी को या मधुबन में आ गया था 2-3 महीने में। परीक्षा आ गई, टेलीफोन आ गया, दादी ने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बाबा बैठा है, कुछ नहीं होगा। गया तो बहुत जैसे सुना ना, सूली से कांटा थी। कहा ये है भगवान, ये भगवान के लिए भटकता था, जो भी कोई बात आई जैसे सूली से कांटा हो गई। दादी ने कहा ख्याल नहीं करो, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। तो ये जो बाबा कहते हैं ना, तो फख्र में रहो, फिक्र में न रहो। पहले नशा, रुहाब, रूहानियत का रुहाब ऐसा है जो ये छोटी छोटी बातें है, बॉडी कॉन्शियस की, देहमान की, देहमान में लाने की। रूहानियत में रहने, रूहाब में रहने वाले को कुछ असर नहीं होता है, असर होता ही नहीं है। जो रूहानियत में नहीं रहता है ना, उसको दुख शांति जल्दी घेराव कर लेता है। अंदरपन पकड़ लेता है दुख शांति, थोड़ा भी होता है परंतु दुख के साथ अशांति। या मन अशांत हुआ तो दुख हुआ, दुख हुआ तो अशांति, बस दोनों ऐसे बहन भाई ऐसे फंसा लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रूहा रूहानियत में रहो। मम्मा का खास देखेंगे ना, अच्छी तो ध्यान से देखो, हम कहेंगे बाबा के याद में, मम्मा पहले रूहानियत में फिर बाबा के साथ है। फखर तभी होता है, बाबा के साथ का फखर पीछे आएगा। रूहानियत में शक्ति आती है, कमजोरी जाती है। तो बाबा का शक्तियां जिसके साथ है, सर्वशक्तिमान बाप जिसके साथ है, सर्वशक्तिमान बाप साथ है, और शक्तियां ये जो साथ है, शक्तियों से काम ले रहे हैं, समझ की रूहानियत की शक्ति है। तो कभी भी मन ढीला नहीं हो सकता, भारी नहीं हो सकता, आत्मा भारी नहीं हो सकती। रूहानियत हल्का रखती है। तो रूहानियत में रहने का जो आदत ही बनता है ना, उसको निमित्त और निमित्ता भाव से, निर्माण भाव से रहना आसान है। जो भारी रहता है वो निमित्त और निर्माण होकर के रहे ना, कभी न कभी उसको जरूर सेवा बोझ लगेंगे। बाबा को याद करना मेहनत लगेंगी, सेवा अच्छी भी लगेंगी, और सेवा कभी ऐसा लगेंगी, सेवा में भाव स्वभाव भी आता है, सेवा में कई विघ्न भी आते हैं, सेवा में समस्या भी आती है। बाबा जाने, बाबा जाने, बाबा कैसे जिम्मेवारी उठाएगा जब मैं न्यारी होंगी। बाप के प्यार खींचने की पात्र होंगी, पहले पात्र बाबा ने कहा, फिर अधिकारी। बच्चा हूं पात्र, रूहानियत अधिकारी।
अगर बच्चा समझू ना तो पात्र हूं, बच्चा इनोसेंट। जरा सा भी अंश भी कोई अशुद्धता की न हो वो पात्र है। व्यर्थ संकल्प की, अशुद्धता की, अपवित्रता की अंश को पात्र बना देती है। हिंदी में सुपात्र कुपात्र, पहले पात्र फिर सुपात्र, नहीं तो कुपात्र। ये सुपात्र सुपूत बच्चा है, आज्ञाकारी है, पहले सिर्फ पात्र है, लायक है, तो नहीं ये सुपात्र है, वो अधिकारी बन जाता है। ये तो कुपात्र है, मिल नहीं सकता उसको, लायक नहीं है। तो मुझे क्या बनना है? सुपात्र बच्चा, पात्र से सुपात्र, सुपात्र से अधिकारी। तो जो अधिकारी है तो बाबा ने क्या कहा, अथॉरिटी है, जैसे कि अनुभव है, अनुभव करते 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 अंदर से शक्तियां जमा की है, सर्वशक्तिमान को साथी बनाया है। अनुभव किसका है?